दोस्तों, बालूशाही इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से ओरिजिनेटेड एक बहुत ही बढ़िया मिठाई है। इसे आप इंडियन डोनट भी कह सकते हैं, बट डोनट से काफ़ी डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर होता है इसका। और ये बालूशाही आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका अर्ली बर्ड्स पर। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया यमी बालूशाही घर पर, हलवाई से कहीं ज़्यादा बेटर। तो सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए मैंने 2 कप शक्कर और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप पानी लिया है। उसे उबाल लेंगे अच्छे तरह से। देखिए, उबालने के बाद मैं इसमें इलायची पाउडर डालते हुए दिखाना भूल गई हूँ, बट आप डाल लीजिएगा। इलायची मैंने क्रश करके डाली है इसमें। अप्रॉक्सीमेटली उबल गई है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। ऊपर से ये टपकने वाला है, उम्मीद करती हूँ जल्दी टपक जाएगा। ये जो बूंद टपकेगी उसमें से एक तार निकलेगा। अगर वो तार निकल रहा है सही तरीके से तो चाशनी बन गई है। एक तार से थोड़ी सी कम थिक चाशनी हमें चाहिए। देखिए, चार टपक चुका है, तार निकल रहा था उसमें से, तो मैंने इसकी गैस बंद कर दी है और इसमें डाल दिया है केसर के थ्रेड्स। अब बालूशाही का डो बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। उसमें ज़रूर डालिए 1 पिंच नमक, भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और अप्रॉक्सीमेटली आधा कप घी। घी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। घी से ही उसकी परतें, बालूशाही की अलग अलग परतें आएंगी। तो घी आप कंजूसी से मत डालिएगा, डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप घी, नमक और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैं अभी सिर्फ मिक्स ही कर रही हूँ। मिक्स करते जाइए इसे। हमें बहुत ही, देखिए, ये बन गया है। आपका जो डो है, जो आप आटे में घी मिक्स कर रहे हैं, वो बाइंड होना चाहिए और आप जब फोड़ें तो फूट भी जाना चाहिए। इसे हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनको इकट्ठा कर देना है। आटे को पूरा इकट्ठा कर देना है बहुत अच्छे से। हमें इसको, जैसे हम नॉर्मल रोटी वगैरह के लिए बनाते हैं, वैसे अच्छी तरह से गूंथना मारना नहीं है, बस इसे इकट्ठा करके रख देना है। देखिए, इकट्ठा हो चुका है। अब इसे मैं ढककर आधा घंटा के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, आटा अपना सेट हो चुका है। तो इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए, छोटे छोटे पेड़े बनाइए और उसमें अंगूठे से एक इम्प्रेशन ऐसे दे दीजिए, मतलब ऊपर से नीचे तक, बट नीचे से पूरा नहीं निकलना चाहिए। छोटी छोटी पेड़ियाँ और थंब से डिम्पल। रेडी है मेरी बालूशाही की पेड़े बनकर। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल गैस पर चढ़ा दीजिए। आप चेक टेम्परेचर पहले चेक कर लीजिए। छोटा सा एक डो का पीस डालकर बबल्स बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बबल्स भी नहीं बन रहे, तो काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाएगा और वो तुरंत से सिक भी नहीं जाना चाहिए। हमें इसे कम गैस पे धीरे धीरे सेकना है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो सब मैंने डाल दिए हैं बालूशाही, 10 मिनट ऐसे गैस पे सिकना ही है, पलट पलट के। एक साइड से सिक गया है, ये ऊपर आ गया है, तो मैंने इसको पलट दिया है सभी को और फिर दूसरी साइड से अच्छी तरह से सेका है। अच्छे से सिकेगा कम गैस पे तो ये अंदर तक पकेगा, अदरवाइज फिर कच्चा रह जाएगा और कच्चे बालूशाही में मज़ा भी नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ये कलर लेने लगा है, थोड़ा गोल्डन और होगा अच्छी तरह से पकने के बाद। देखिए, थोड़ा सा गोल्डनिश है, थोड़ा सा और इसको कुक करते हैं। और चाशनी जो हमारी तैयार की हुई रखी है ऑलरेडी, उसमें हम इनको डिप करते जाएंगे पकने के बाद। पक गए हैं बालूशाही अच्छे से, अंदर इनसाइड आउट, पूरा अंदर से बाहर तक। तो हमने इन्हें चाशनी में डाल दिया है और ढक के, चाशनी में दबा के ढक के अच्छी तरह से रख दिया है। जब ये एक साइड से चाशनी अच्छी तरह सोख कर ले, तो हमें इसे पलटना भी है एक बार और दूसरी साइड से भी चाशनी को सोख कराना है। देखिए, इसे पलट के आप रख दीजिए और एक 10 मिनट के लिए चाशनी में। और ये रेडी है बालूशाही, हम इन्हें सर्व कर लेते हैं।
सर्व करने के लिए अच्छे से बालूशाही बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, और गारंटेड ये किसी भी बाज़ार की बालूशाही या किसी मिठाई दुकान की बालूशाही से ज़्यादा अच्छी आपकी बनेगी। सब लोग गारंटेड आपकी तारीफ़ करेंगे। तो और बस आसानी से बन जाती है, मतलब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, यूं ही फटाफट बन जाती है। गार्निश करिए इसको बादाम के साथ या किसी और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ, और मैंने लास्ट में इसमें केसर थ्रेड्स भी डाले हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से गार्निश करिए और सर्व करिए। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है ये बालूशाही। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।